देश और दुनिया में वैश्विक महामारी ने हाहाकार मचाया हुआ है। हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। भारत में संक्रमितों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में 2,51,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आप देखते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना की तबाही का क्या मंजर है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 78,761 नए केस सामने आए हैं। अभी तक ये सबसे बड़ा उछाल है। वहीं पिछले 24 घंटों में 948 मरीजों को इस महामारी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 35,42,733 पहुँच गई है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 63,498 हो चुकी है। वहीं अब तक 27,13,933 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब नजर डालते हैं देश के प्रभावित राज्यों पर। देश के प्रभावित राज्यों का हाल। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 7,64,281, तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित हुए 4,15,590 लोग, आंध्र प्रदेश में महामारी का संक्रमण 4,14,164 लोगों में फैला, कर्नाटक में 3,27,076 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2,19,457। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव केस की संख्या 7,65,302 हो गई है। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। ICMR की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक देश भर में अब तक कुल 4,14,61,636 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 24 घंटों में 10,55,027 सैंपल की जाँच की गयी। वही दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो संक्रमितों की संख्या हुई 2,51,55,607, कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,45,955, महामारी को मात देने वालों की संख्या 1,75,10,634, एक्टिव केस की संख्या हुई 68,09,300, 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित हुए 2,55,763 लोग, 24 घंटों में जान गंवाने वालों की संख्या 5,278 हुई। महामारी का संक्रमण थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। यहां अब तक 61,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 34,000 मामले आए हैं। हालांकि इन दिनों दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आ रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।